मैथ्स फिजिक्स और मोटिवेशन पे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। ऑप्शन अगर मिलता है तो उसमें ऑल करके ओके करिए। वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बोर्ड में हुए क्वेश्चंस को लगाएंगे जो डिटरमिनेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं, और इनका आप देखेंगे जैसा कि 2017 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2016 में 6 नंबर का था, 2015 में आप देखें तो 4 नंबर का सवाल था, 2014 में भी 4 नंबर का था, और एक क्वेश्चन और लगाएंगे 2013 का, वो भी 4 नंबर का सवाल हमारे पास था। तो ये बात समझ में आती है कि अगर डिटरमिनेंट्स स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो 4 नंबर अपने को कहीं नहीं जाते, आराम से हम इसको कर सकते हैं। तो एक एक करके इन 5 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्लैरिटी लेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ, प्रूव करना ये -1 की पावर 3। तो देखिए जो ये वैल्यू दी थी डिटरमिनेंट की, इसमें हमने 2 कमांड इसको दिए या प्रॉपर्टी यूज की, R1 को R1 - R2 कर दिया और R2 को R2 - R3 कर दिया। तो R1 को R1 - R2 करेंगे तो इस रो में से नीचे वाली रो घटा दीजिए आप। तो जब घटा देंगे तो देखिए a² + 2a, इसमें से -2a - 1 जब आप घटाएंगे तो 2a - 2a कैंसिल हो जाएगा, a² - 1 आ जाएगा। तो ये a² - 1, ये a - 1, ये 0 आ जाएगा। अब इसी तरह R2 को R2 - R3 कर दीजिए, तो ये जो R2 थी इसमें से हमने नीचे वाली रो R3 रो सब्सट्रैक्ट कर दी। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2a - ये देखिए R2 में से R3 में घटाना है तो 2a + 1 और -3 आप घटा दीजिए इसके अंदर। अगर आप 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, ये 2a - 2, और इसी तरीके से ये बन जाएगा a - 1 और ये बन जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0 आ गया। तो ये देखिए पहले से काफी थोड़ा सिंप्लीफाइड नजर आने लगी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू ये 2 कमांड यूज करने के बाद। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए तो a + b a - b बन गया, ये -1 था ही। अब इसमें से हमने a - b R1 R2 से कॉमन निकाल लिया। अब अगर आप कॉमन निकाल लेंगे R1 R2 से तो देखिए क्या बचने वाला, यहां से -1 कॉमन लिया, यहां से भी रो 2 से भी हमने -1 कॉमन लिया, तो ये बन गया हमारा a - 1 का होल स्क्वायर। और यहां वैल्यू बची a+1 1 0 2 1 0 एंड 3 1 जो वैल्यू थी। अब हमने क्या किया इसको, अब देखिए यहां पर हमें 0 0 1 मिल गया ना, तो हमारा डिटरमिनेंट्स में ऑब्जेक्टिव होता है किसी एक कॉलम में 2 जीरो मिल जाए या एक रो में हमें 2 जीरो मिल जाए तो थर्ड एलिमेंट के हिसाब से हम इसको ओपन कर सकते हैं, या उस रो या कॉलम के हिसाब से ओपन कर सकते हैं। तो इसमें रो 3 में देखिए हमारा 2 जीरो मिल गया तो हम रो 3 के अलोंग इसको ओपन कर देंगे। तो रो 3 के अलोंग ओपन कर दीजिए आराम से a - 1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपने इसका 1 लिया और a+1 × 1 ये देखिए -2, और इसको ओपन किया, देखिए 4 नंबर का सवाल कितने आराम से आपने इसको बना लिया, ये देखिए प्रूव हो गया। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ये टॉपिक ऐसा मान के चलें कि आपको मार्क्स देने के लिए बनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये 6 नंबर का सवाल था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि 6 नंबर का सवाल भी था। इसमें प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूफ दैट, ये एक एक्सप्रेशन या डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखी हुई है जिसको हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहां पर एक्स वाई जेड हमने लिख लिया xyz/xyz, और ये एक्स वाई जेड नीचे वाला तो इधर रखा, और ये एक्स वाई जेड को देखिए कैसे चेंज कर दिया, R1 को zR1 कर दिया, यानी ये जो हमारा जेड है ना ये R1 के साथ कर दिया, Z को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने R1 के साथ, और X को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने किसके साथ, R2 के साथ, और Y जो बचा था इसको कंबाइन कर दिया हम लोगों ने R3 के साथ, ठीक है। यही हमने ये प्रॉपर्टी के तौर पे लिख भी दिया, जैसे एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो अपनी बात समझ पाए। तो ये वैल्यूज देखिए इस तरह से बन गई। अब इसके आगे देखिए इसको करने से फायदा हमें क्या मिला, अब हम वापस क्या करेंगे ना, एक्स वाई जेड कॉमन लेंगे C1 C2 C3 से, तो Z कॉमन लेंगे हम लोग C1 से, और X कॉमन लेंगे हम लोग C2 से, और हम लोग Y कॉमन लेंगे C3 से।
अब यहां पर इसी तरीके से हमने z कॉमन लिया c1 से, तो ये z z z तीनों कॉमन निकल आया बाहर, एक z हमें ये मिल गया वहां से, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं c2 में, तो c2 में हमने कॉमन क्या निकाला, x। तो ये देखिए यहां से ये x चला गया, ये x चला गया, ये x चला गया, तीनों x चले गए और यहां पे हमको मिल गया वापस x और यहां x खत्म हो गया। इसी तरीके से यहां से y हमने कॉमन निकाल लिया तीनों, y कॉमन निकाला तो ये y हमें मिल गया, तो x y z वापस मिल गया और ये नए फॉर्म में डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे सामने आ गई। देखिए अब इसमें ये x y z तीनों कैंसिल हो जाएंगे और ये कट के वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू 1। अब ये जो बना इसमें, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, दो प्रॉपर्टीज यूज की, c1 में c3 घटा दिया। इस c1 कौन सा है, कॉलम 1, दिस इज कॉलम 1, इसमें हमने कॉलम 3 घटा दिया, ये लास्ट वाला कॉलम, तो ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर और z वाला माइनस z स्क्वायर, और x स्क्वायर में x स्क्वायर घटा दिया तो ये वैल्यू मिल गई हमें 0। इसी तरह y स्क्वायर में ये वैल्यू घटाई तो ये वैल्यू आ गई, और इसी तरह कमांड दिया या प्रॉपर्टी उसकी c2 माइनस c3, ये c2 में, ये c2 था हमारा, इसमें c3 इसमें घटा दिया तो ये वैल्यू मिल गई 0, और यहाँ z प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह y स्क्वायर माइनस z प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल जो हमने प्रॉपर्टी लिखी है उसी का यूज इसमें कर दिया, जो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ये वैल्यू बन गई। अब यहां पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरह यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जहां जहां मौका मिला फॉर्मूले लगा दिए जिससे हम चीजों को कॉमन निकाल पाए। अब देखिए इसके आगे यहां पर हमें वैल्यू दिख रही है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें यहां से, ये देखिए यहां तो जीरो है ही, और यहां यानी पहले कॉलम से हमें x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिल जाएगा, फिर दूसरे कॉलम से हमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड यहां से कॉमन मिल जाएगा, तो दो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन मिलेगा तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहां से ये x प्लस वाई प्लस जेड हट जाएंगे, तो ये बना x प्लस वाई माइनस जेड, और ये बना ये जो वैल्यू बची रह गई थी हमारे पास वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और इसी तरह यहां पर ये वैल्यू बची रहेगी z स्क्वायर x स्क्वायर z प्लस x स्क्वायर। तो ये पहले से काफी आप देखें सिंप्लीफाइड हो गया है, लेकिन अभी आगे और बढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, R3 में से R2 और R1 एक साथ घटा दीजिए, ठीक है, जैसे R3 माइनस R2 माइनस R1, तो ये देखिए R3 हमारा रो 3 कौन सा रो होगा, ये होगी हमारी R3, इसे बोलते हैं आप R3। इस R3 में से हमने R2 घटाया पहले, ये R2 घटाया तो ये तो 0 घटा, कुछ नहीं बचा, और साथ में R1 को सब्सट्रैक्ट किया। जब आप R1 को इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -2x आ जाएगा, y को करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, z को करेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा, तो -2x आ जाएगा। इसी तरीके से -2x यहां मिलेगा और इसी तरीके से 2xz यहां मिलेगा, इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद, जो अब पहले से काफी सिंपल वर्जन में दिखाई पड़ रही है। अब इसके बाद देखिए, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना, उसको प्रूफ करने के लिए ये देखिए, जो हमें प्रूफ करना था आप उसको देखिए, तो हमें पहुंचना कहाँ है, हमें बेसिकली पहुंचना है इस जगह कि x प्लस प्लस वाई जेड का होल क्यूब भी आए, एक्स वाई जेड भी आए, तो अभी एक एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड का हमें और इसमें से मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहां तक वैल्यू पहुंची थी, यहां पर दो कमांड और छोटे छोटे यूज कर लेंगे कि c1 को कर देंगे c1 प्लस 1 अपॉन z c3। तो c1 हमारा कौन सा है, देखिए c1 हमारी ये वैल्यू होती है, ये आपको पता ही है, ये दिस इज c1। इस c1 में 1 प्लस z, यहां z से डिवाइड कर दीजिए किसमें, c3 में, तो ये z बचेगा, x स्क्वायर अपॉन z बचेगा, और इसी तरीके से 2x बचेगा, और इसमें आप जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बनेगी x प्लस वाई जेड, तो इस वाली z स्क्वायर अपॉन z से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हो गई x स्क्वायर अपॉन z, ये वैल्यू बन गई 0। इसी तरह हमने c2 में भी ये फंडा इस्तेमाल कर लिया, हमें यहां भी 0 मिल गया, क्योंकि हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिटरमिनेंट में, किसी रो या किसी कॉलम में दो जीरो मिल जाए, 3x3 का तो चल रहा है ये डिटरमिनेंट, तो 3x3 में दो जीरो मिल जाएंगे, तीसरे के हिसाब से हम इसको ओपन कर लेंगे। देखिए आराम से आप इस R3 के अलोंग हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ये एक्सपैंड कर दिया हमने, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2xz ये था, ये 2xz यहां आ गया, और इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप एक्सपैंड करेंगे आप देखेंगे जो प्रूविंग आपको चाहिए थी वो आसानी से आपके हाथ लग गई। तो इस तरीके से ये 6 नंबर का सवाल थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं।
तो इसको इस तरीके से किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आया 2015 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं आती। आप देखिए ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमें ये चीजें प्रूव करनी थी। 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम जानते हैं ना किसी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है, तो हमने इन दोनों को कॉलम को इंटरचेंज किया, यहाँ पे एक माइनस साइन ले लिया, फिर इन दोनों को कॉलम को C2 और C3 को चेंज कर लिया, एक माइनस और आ गया, और ये इस तरह से एक सिंप्लीफाइड वर्जन में पहले से सिंपल फॉर्म में हमारा डिटरमिनेंट लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गए, तो ये प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और ये जो वैल्यू बनी हुई है अब 2 2 2 करके, इसमें इसमें से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ गया, 111 यहां मिल गया, ABC A³ B³ C³ वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फिर वही डिटरमिनेंट में रो या कॉलम में 2 एलिमेंट 0 मिलने चाहिए बस, या 3 R1 आने के बाद हमने लगा दिया R2 में से R1 घटा दीजिए। ये देखिए R2 थी ना ऊपर, बहुत ही आसान सा सवाल बन जाता है। ये हमारी थी R1, ये हमारी थी R2 और ये थी हमारी R3। अब किसी में से आप 2 0 लाने, आप जो चाहे कर सकते हैं। इसमें मैंने R2 में से R1 घटा दिया तो ये बन गया 0, और R3 में से भी R1 घटा दिया तो ये भी बन गया 0। बाकी इसी हिसाब से बाकी सेट आपने कर लिए। अब 2 0 बन गया, कुछ नहीं करना, एक्सपैंड कर दीजिए आप पहले के अगेंस्ट में। अब पहले के अगेंस्ट में देखिए ये जो आया ना B³ - A³, आप यहीं पे एक्सपैंड कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा इसको फॉर्मूला लगा के कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन लेने में B³ - A³ का जो फॉर्मूला होता है ना B - A और B² + A² + AB, A³ - B³ का जो फॉर्मूला होता है वो दोनों में अप्लाई का आपने कर दिया। अप्लाई करने से फायदा क्या मिलेगा, देखिए कि इस वाले रो से आप B - A कॉमन ले सकते हैं, इस वाले रो से B - A कॉमन ले लिया, और नीचे वाले रो से हमने C - A कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई 2B - A C - A यहां मिल गई आपको आराम से, और ये 100, और ये एक्सप्रेशन पहले से और इजी बन गया, ज्यादा एक्सप्रेशन इजी बन गया। तो यहां पर ये जो आपने कॉमन ले लिया ना, कॉमन होने से एक्सप्रेशंस काफी इजी पड़ गए। अब आप क्या करें, सिंपली 2 0 मिल चुके हैं तो 1 के अगेंस्ट में को ओपन कर दें, इसको कुछ करना नहीं, या अभी और भी देखिए यहां पर फिर 1 1 मिल गया ना, तो हम यह 1 0 और कर लीजिए जिससे और सरल हो जाइए। तो R2 में R3 घटा दीजिए, इस R2 में R3 घटा दिया, 1 0 और मिल गया, और एक्सप्रेशन इसको ओपन करना अब बहुत ही आसान हो गया। अब ये आप ओपन कर लीजिए, देखिए वैल्यू मिल चुकी है, एक्सपैंड कर लीजिए C1 के अलोंग, क्योंकि C1 में 2 0 आपको मिल ही रहे हैं। क्यों एक्सपैंड किया, क्योंकि C1 में आपको ऑलरेडी ये 2 0 मिल रहे थे, इसी के अलोंग ओपन कर दिया। अब ये ओपन आप करेंगे तो देखिए ये 0 हो गया, ये B - C + B + C हो गई वैल्यू, और इसको ओपन करने के बाद जो चीजें प्रूफ करनी थी वो बड़े आराम से आपने प्रूफ कर ली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में कोई तकलीफ आती ही नहीं, आती तो 6 नंबर में भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें अगर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, जो 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2014 में जो क्वेश्चन आया है इसमें भी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूफ करना था x³ के बराबर। ये बहुत ही आसान सवाल था। देखिए प्रॉपर्टीज जो होती है ना डिटरमिनेंट की, जहां पर A+B करके ये लिख रहा है, तो इस डिटरमिनेंट को हमने उस प्रॉपर्टी से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये पहले वाले के अगेंस्ट में देखिए मैं दिखाता हूं, ये जो पहला वाला था ना, ये इसके अगेंस्ट में एक डिटरमिनेंट हमने डिवाइड किया, और दूसरा जो ये था इसके अगेंस्ट में हमने दूसरा डिटरमिनेंट हमने बना लिया। तो ये देखिए x 5x 10x ये लिख लिया, बाकी दोनों वैल्यूज सेम, और इसमें प्लस लिखा, ये जो प्लस आया है तीनों में y 4y 8y, और साथ में ये वैल्यू आ गई, सेम वैल्यू आ गई। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद देखिए आसानी क्या हो गई, इसमें से हमने इस कॉलम से x कॉमन लिया, C2 से x कॉमन लिया और C3 से x कॉमन लिया, तो यहां आ गया x³, और यहां केवल डिजिट्स बची 1 5 10 1 4 8 1 2 3, इधर से प्लस किया, यहां से हम लोगों ने y कॉमन लिया C1 से, C2 से x, और C3 से भी हमने क्या किया x कॉमन लिया, तो y² आ गया, और इसमें देखिए 1 4 8 1 4 8 1 2 3 मिल गया। अब इसमें देखिए 2 कॉलम हमारे सेम हैं, C1 एंड C2। जब भी किसी डिटरमिनेंट के 2 कॉलम सेम होते हैं उसकी वैल्यू पूरी 0 होती है। तो ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये पूरा डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या बन जाने वाली है, 0, इसकी वैल्यू बनेगी 0। ये मैंने लिखा भी है, फॉर सेकंड डिटरमिनेंट C1 एंड C2 सेम वैल्यू, तो
डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब बचेगा केवल ये डिटरमिनेंट। अब इसमें क्या करिए, तीन वन मिल गए हैं ना, अब दो जीरो लेने, तो दो जीरो लेके लेने के लिए C2 को कर दीजिए C2 माइनस C1 और C3 को कर दीजिए C3 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 करेंगे तो इसमें से ये घटा दीजिए, C3 माइनस इसमें से ये घटा दीजिए, जीरो मिल गया। और जीरो मिलने के बाद आप फिर से आराम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। कैसे करेंगे, रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो रो वन के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब, जो आपको चार नंबर का सवाल मुश्किल से तीन चार मिनट के अंदर आपको फोर मार्क्स देके जाएगा। अब हम लोग आखिरी सवाल करते हैं जो क्वेश्चन नंबर फाइव है 2013 का, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये वैल्यू अपने को प्रूफ करनी है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 में तीनों को ऐड कर देंगे C1 में। जब हम ऐड करते हैं तो हम देखते क्या है कि C1 में तीनों टर्म एक जैसे निकल के आते हैं। आप क्या करिए, तीनों में से 3x प्लस 3y कॉमन ले लीजिए, 1 1 1 मिल गया। आप देखिए 1 1 1 मिलने के बाद 0 लाना बहुत आसान होता है। अगेन r2 माइनस r1, r3 माइनस r1, r2 में से r1 घटाओ, r3 में से r1 घटाओ, ये घटा के हमने वैल्यू लिख ली यहां पर। अब दो जीरो मिल गया, अब एक्सपेंड करना है। अब यहां पर देखिए yy मिल रहा है ना, तो कॉमन और ले लीजिए, कॉमन लेने से और इजी बन जाता है। बाकी आप ओपन कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां से आपने R2 से Y कॉमन लिया तो एक Y ये आ गया आपका, और R3 से Y कॉमन लिया एक Y ये आपका आ गया, और दोनों जगह क्या क्या वैल्यू मिल गई, 1 1 वैल्यू मिल गई। देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, ओपन कर दीजिए C1 के अलोंग ओपन कर दिया आपने। देखिए ये वैल्यू आराम से एडजस्ट हो गई। देखिए C1 था ना, C1 हमारी कौन सी वैल्यू होगी, C1 इज दिस वन। तो 1 के अगेंस्ट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 विच इज 2, और माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। तो ये 9 एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू आपकी बनके इधर निकल के आई। तो देखिए हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया वो बोर्ड में पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम पांचों क्वेश्चन जो आए हुए हैं बोर्ड में वो पांचों हम लगा सकें 2017 से लेके 2013 तक के सवाल। इन क्वेश्चंस को आप, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और इसी तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं आगे भी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो को शेयर करके बाकियों का बेनिफिट आप कर सकते हैं तो उसको करने से बिल्कुल मत रुकिए, लोगों की भी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप अरविंद एकेडमी चैनल पे जाएं और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल को क्लिक कीजिए, क्योंकि क्या है इसमें आपको देखिए बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। आपको 11th और 12th का मैथ, फिजिक्स एंड मोटिवेशनल वीडियोस लाइन से आपको मिलेंगे, जो कि बहुत प्रोबेबिलिटी सब सीक्वेंस में है। यही नहीं, अगर आप देखें तो यहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जो आप अपने हिसाब से जो भी आपको इजी लगता है, जैसे 12th मैथ्स की बात करनी हो, एनसीईआरटी कुछ सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, 12th मैथ फिजिक्स है, 11th मैथ्स है, साथ में चैप्टर दिए हुए हैं। देखिए किसी भी चैप्टर को आप 11th मैथ्स को अगर ओपन करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सारे लाइन से वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है। बिल्कुल आप देखें तो सारे लाइन से वीडियो आपको मिलेंगे, 1 2 3 4, इस तरह सब्सक्राइब करके आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। होप आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू।